गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। एक बेहद खास सीरीज और एक बेहद खास सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। करंटली निफ्टी जिस तरह का वॉलेटाइल मूवमेंट दिखा रही है, जिसमें कि पिछले फ्राइडे से लेकर आज तक दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा डाउन हो चुकी है, ये वो समय है कि जब मार्केट के अंदर नए निवेशक नया पैसा लेकर अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए आते हैं। और यही वो समय है फ्रेंड्स जब हमें मार्केट के निवेश गुरु, जो भी हमसे पहले मार्केट में मौजूद हैं मेंटर्स, इनकी लाइफ से निवेश को सही तरीके से सीखने का सही समय है। अच्छी लर्निंग लेने के बाद एक ढंग का पोर्टफोलियो उन नियमों के आधार पर अगर हम बनाएं जो मार्केट गुरुज़ हमें हमेशा से सिखाते रहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि लंबे समय में हमें मार्केट से प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। और इसी इन्फॉर्मेशन के तहत फ्रेंड्स, जो हमारी ये नई सीरीज़ है जिसे हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, वो है निवेश के नियम मार्केट गुरु के साथ में। इस सीरीज़ का आज सबसे पहला वीडियो है वॉरेन बफे। ये नाम शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो मार्केट में पिछले 3 महीनों से हो और जिसने ना सुना हो। इन्वेस्टमेंट के गुरु और बर्कशायर हाथवे के ओनर, दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले निवेशक, यानी कि एक समय दुनिया के सेकंड अमीर इंसान थे ये और पहले अमीर इंसान निवेशकों की श्रेणी में। सबसे ज़्यादा कठिन नियम निवेश की दुनिया में सबसे आसान तरीके से समझाए जाने के लिए बहुत ही मशहूर हैं। इनकी बुक्स और इनके इंटरव्यूज़, इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद इनकी लाइफ से मिले हुए कुछ निवेश के बारे में आसान नियम हम यहाँ पर आज आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स। इन नियमों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला, वॉरेन बफेट ने जिस नियम को बनाया वो है कि बाय अ थिंग फार बिलो देन व्हाट दे आर वर्थ। इनका कहना है कि निवेश के मामले में आपके पास सिर्फ दो ही नियम हैं। पहला, नेवर लूज मनी, यानी कि निवेश करते समय कभी भी अपना पैसा नुकसान में मत लीजिए, यानी कि कभी भी नुकसान मत उठाइए निवेश में। और सेकंड, कभी भी पहले नियम को मत भूलिए, यानी निवेश में नुकसान कभी भी नहीं उठाना है। और निवेश में नुकसान नहीं उठाना है ये बात आप तब तय कर सकते हैं जब आप किसी भी चीज़ को उसके असल दाम से निचले दामों पर खरीदें। इसके बारे में वॉरेन बफेट की लाइफ से एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है। कहते हैं कि कोका कोला खरीदने से पहले वॉरेन बफे ने कोका कोला कंपनी को ढंग से एनालाइज किया और उसकी एक्चुअल वैल्यू जान ली। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 2 साल तक वेट किया कोका कोला के वैल्यू का और नीचे आने का, शेयर प्राइस और नीचे आने का, और 2 साल के इंतज़ार के बाद उन्होंने कोका कोला को खरीदा। इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, बाइंग अ थिंग फार बिलो देन वॉट दे आर वर्थ। इसमें दो इन्फॉर्मेशन हैं, सबसे पहला कि उस कंपनी की वर्थ क्या है और सेकेंड उस वर्थ से नीचे खरीदना। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए जब आप किसी शेयर को खरीदने के लिए जाते हैं, क्या आपको ये पता है कि इस कंपनी की असल वर्थ क्या है, या क्या आपको पता है कि जो शेयर आप खरीदने जा रहे हैं इसकी असल वर्थ क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता तो आपको उस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए आपको उस प्रोसेस को सीखना चाहिए जिससे आप उस कंपनी की असल वर्थ जान सकें। और जब आप उस कंपनी की वर्थ जान लेते हैं उसके बाद ही उस शेयर को बाय करना आपके लिए एक सफलता का सौदा है। आंख बंद करके सिर्फ शेयर मार्केट में घुस जाना और किसी भी गिरते हुए शेयर को बाय कर लेना इस उम्मीद के साथ कि वो शेयर एक दिन बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट देगा, एक जुए से ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज़ इस प्रोसेस को सीखिए जिससे आप किसी भी कंपनी की वर्थ जान सकते हैं, और सेकेंड उसके बाद आप उसकी वर्थ से हमेशा उसे सस्ता खरीदिए, तभी आप सबसे पहला नियम सस्ता खरीदो और महंगा बेचो का पालन कर पाएंगे। सेकेंड, अपने एक इंटरव्यू के दौरान वॉरेन बफे ने कहा था, यू आर राइट बिकॉज योर फैक्ट्स आर राइट, यू आर नॉट राइट बिकॉज पीपल से दैट यू आर राइट, और यू आर नॉट रॉन्ग बिकॉज पीपल से दैट यू आर रॉन्ग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था, वॉरेन बफे ने कहा था कि हमेशा अपनी स्टडी पर भरोसा कीजिए।
अगर मार्केट के अंदर किसी एक शेयर को खरीदने के लिए यूफोरिया मचा हुआ है और हर कोई उस शेयर्स को खरीदने के पीछे भाग रहा है, तो हर्ड मेंटेलिटी का इस्तेमाल करते हुए आप उस शेयर को खरीद मत लीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस भरोसे चल रहे हैं कि लोग खरीद रहे हैं इसलिए मैं भी खरीदूंगा, तो ये निवेश का नियम नहीं है। या अगर किसी भी शेयर में बिकवाली हो रही है और हर कोई उसे बेच रहा है, तो सिर्फ इस नियम के भरोसे कि पूरी दुनिया उसे बेच रही है, उसे बेचने के पीछे मत जाइए। एक इंटरव्यू के दौरान एक बार वॉरेन बफे से पूछा गया था कि अगर आप किसी शेयर पर खरीदारी करते हैं और कल को आपको उस शेयर के बारे में कुछ एडवर्स इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तब आपका क्या डिसीजन होता है। वॉरेन बफे ने कहा, मैं अपनी स्टडीज़ को दोबारा से एक बार गो थ्रू करता हूँ और अगर मेरी स्टडीज़ ठीक है तो मैं उस पर ध्यान देना बंद कर देता। इसका मतलब, जो भी आपने स्टडी की है अपनी उस स्टडीज़ को क्रॉस चेक कीजिए, और अगर आपकी स्टडी सही है और वो आपको भरोसा दिला रही है कि आपको किसी गिरते हुए शेयर में भी निवेश करते रहना चाहिए, तब आपको उसमें निवेशित रहना चाहिए। इस सेकंड इन्फॉर्मेशन से वॉरेन बफे ने एक क्लियर सिग्नल दिया है कि हर्ड मेंटेलिटी का इस्तेमाल मार्केट में कभी भी मत कीजिए। हमेशा अपने नॉलेज, अपने एनालाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके ही अपने डिसीजंस लीजिए, और ध्यान रखिए हमेशा अपने फैक्ट्स करेक्ट रखिए। कभी भी मार्केट में इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत लीजिए। थर्ड, वॉरेन बफे का ये सबसे बेहतरीन कोट है, जहां पर जब उनसे पूछा गया कि किसी भी शेयर को आप कैसे खरीदते हैं, तो वॉरेन बफे ने कहा कि मैं शेयर का प्राइस कभी भी नहीं देखता, मैं सबसे पहले उसका बिजनेस एनालाइज करता हूँ। उनका सीधा कहना है कि जब आप किसी भी कंपनी का कोई शेयर खरीदते हैं, तब असल में आप उसके शेयर में नहीं बल्कि उस कंपनी के बिजनेस में पैसा लगा रहे होते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर का रेट देखने से पहले आपको ये पता करना चाहिए कि असल में वो कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, क्या धंधा कर रही है। जो भी बिजनेस वो कंपनी कर रही है, क्या ये बिजनेस आगे आने वाले समय में लंबे समय तक सस्टेनेबल होगा या नहीं, इस बिजनेस में ग्रोथ की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, या इस बिजनेस के और कितने राइवल्स अवेलेबल हैं, बिजनेस जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है वो कितने लंबे समय तक चलने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टेक्नोलॉजीज आगे आने वाले कुछ समय के बाद ही ऑब्सोलीट हो जाएगी। इसलिए वॉरेन बफे हमेशा जोर देते हैं कि किसी भी शेयर के प्राइस के पीछे भागने से बेहतर है आपको उस कंपनी के बिजनेस मॉडल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो कंपनी क्या करती है, बिजनेस कितना सस्टेनेबल है और कितना प्रॉफिटेबल। जब आप कंपनी के शेयर प्राइस के बदले कंपनी के बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तब आपके द्वारा कंपनी के शेयर्स को खरीदने का फैसला एक स्पेकुलेशन ना होकर एक निवेश का फैसला होता है, और तभी आपका निवेश लंबे समय तक आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। एक बहुत ही मशहूर कोट है वॉरेन बफे का कि आपको अमीर बनाने के लिए 20 कंपनियों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 अच्छी कंपनियां और उनमें अच्छा निवेश लंबे समय में आपको अमीर बनाने के लिए पर्याप्त है। बाय वॉट यू अंडरस्टैंड, ये वॉरेन बफे का अगला कोट था जो कि पिछले कोट को ही ऑलमोस्ट कॉरोबरेट कर रहा है। वॉरेन बफे से एक बार पूछा गया कि Y2K बूम जब हुआ, जिस समय टेक्नोलॉजी कंपनीज और इंटरनेट कंपनीज का बूम आ रहा था, उस समय वॉरेन बफे ने इन कंपनियों में निवेश नहीं किया। जब उनसे पूछा गया IBM में उन्होंने निवेश नहीं किया था, तो वॉरेन बफे ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती, मुझे ये कंपनी समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने इसमें निवेश नहीं किया, मुझे इस टेक्नोलॉजी की ज़्यादा समझ नहीं थी इसलिए मैंने इसमें निवेश नहीं किया। सीधी बात जो वो अपने इस स्टेटमेंट से कहना चाह रहे थे वो ये था कि बाय व्हाट यू अंडरस्टैंड, यानी आप जिस भी शेयर में निवेश करना चाह रहे हैं या जिस भी कंपनी में निवेश करना चाह रहे हैं, क्या उस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपकी समझ में आता है या नहीं। क्यों? किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हुए आप उसके एक बिजनेस पार्टनर की तरह व्यवहार करते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में पार्टनरशिप चाह रहे हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है। किसी भी शेयर को आंख बंद करके बाय कर लेना और भविष्य में ये उम्मीद करना कि वो कंपनी न केवल अच्छा परफॉर्म करेगी बल्कि आपके लिए प्रॉफिट भी जनरेट करेगी, किसी एक जुए से ज़्यादा नहीं है। और अपने जुए को निवेश का नाम देना एक बेहद गलत फैसला है, जो मार्केट में आपको अपने प्रिंसिपल से चुकाना पड़ सकता है। जी हाँ, आपका मूलधन पूरा का पूरा वेस्ट हो सकता है इस तरह के फैसले पर। इसलिए हमेशा उन्हीं बिजनेस कंपनियों में, उन्हीं कंपनियों में और उन्हीं शेयरों में निवेश कीजिए जिनके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, जिसके बारे में आपको कुछ पता हो। कहने का मतलब है कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में पूरी जानकारी कर लेना बहुत ज़रूरी है। देन डोंट स्विंग ऑन एवरी बॉल, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दिया था वॉरेन बफे ने। एग्जाम्पल दे रहे थे वो बेसबॉल का। उनका कहना था और जो डिस्कशन हो रहा था उसमें,
कि बेसबॉल में आपको हर तीन बॉल में एक बार स्विंग करना पड़ता है अपना बैट, यानी कि बैट हवा में घुमाना पड़ता है बॉल को मारने के लिए। क्यों? अगर आपने तीनों बॉल मिस कर दी तो फिर आप आउट हो जाएंगे। तो वॉरेन बफे ने कहा कि मार्केट बेसिकली बेसबॉल का गेम नहीं है जहां आपको हर अपॉर्चुनिटी पर बैट स्विंग कराना ही है। कई बार आपको वेट करना पड़ता है 200 बॉल्स निकल जाने का, कई बार 6-6 महीने तक वेट करना पड़ जाता है। तो इस पर जो इंटरव्यूअर था उसने कहा कि तो क्या सर आप 6-6 महीने तक वेट कर सकते हैं बिना कोई ट्रेड कॉल लिए हुए? बैट स्विंग कराने का मतलब है कि कोई ट्रेड लेना, किसी शेयर में निवेश करना। तो इंटरव्यूअर ने पूछा तो क्या आप 6 महीने तक बिना किसी निवेश के ऐसे ही बैठे रह सकते हैं? वॉरेन बफे ने कहा मैं 2-2 सालों तक ऐसे ही बैठा रहने का पेशेंस रखता हूं, बट मैं गलत ट्रेड में निवेश नहीं करूंगा। ज़रा फ्रेंड्स इसे कंपेयर कीजिए ट्रेडिंग की मानसिकता से, जहां कहा जाता है आपको कि आपको ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और दूसरी तरफ है आपके पास एक ऐसा मार्केट गुरु जो कहता है कि ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, इंतज़ार करना है अच्छी ट्रेड्स का, और जब अच्छी ट्रेड आती है सिर्फ तभी मार्केट के अंदर निवेश करना है। ये वजह है कि ज़्यादातर मार्केट में नुकसान उठाने वाले लोग नुकसान उठाते हैं। क्यों? मार्केट गुरुओं ने जो सिखाया, जो सबसे सिंपल लैंग्वेज में सिखाया, उसे न सीखना, उसे अवॉइड करना, और उसके बाद अपने नियमों के आधार पर मार्केट के अंदर उतरना, और बिना जानकारी के ये एक्सपेक्टेशन रखना कि मार्केट आपको प्रॉफिट देगी। सो वॉरेन बफे कहते हैं कि डोंट स्विंग ऑन एवरी बॉल, यानी अपनी नॉलेज को पहले बढ़ाइए, उसके बाद कंपनीज़ उनके बिजनेस को अच्छे से एनालाइज कीजिए, और फिर इंतज़ार कीजिए कि सही रेट पर जब कंपनी आपके लिए अवेलेबल हो तब उसमें बाई कीजिए। कभी भी जल्दबाजी में कंपनी जो भी आपके सामने दिख रही है उसे उसी रेट पर खरीद लेना समझदारी का फैसला नहीं है। मार्केट के अंदर किया जाने वाला निवेश बेसबॉल गेम की तरह नहीं है जहां आपको हर बॉल पर बल्ला घुमाना ही है। यहां आप इंतज़ार कर सकते हैं 6 महीने, 2 साल, 5 साल, जब एक सही ट्रेड आए उसे तभी खरीदिए। जैसा कि कोका कोला में उन्होंने कहा था कि कोका कोला बाई करने के लिए उन्होंने 2 साल तक वेट किया। देन कम्स पीपल डोंट कंसंट्रेट ऑन सिंपल थिंग्स। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन थी ये। इस इंटरव्यू के बिल्कुल लास्ट पार्ट में वॉरेन बफे से पूछा गया कि अगर ये चीज़ इतनी ही आसान है तो फिर हर कोई इसे क्यों नहीं कर लेता? और वॉरेन बफे ने कहा कि शायद इसीलिए हर कोई इसे नहीं करता क्योंकि ये चीज़ बहुत आसान है। ज़्यादातर लोग अपने नॉलेज को इतनी डीप स्टडी तक ले जाते हैं कि ज़्यादा नॉलेज रखने से उन्हें अपने आप में सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है और वो हर जगह अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे एक व्यक्ति के पास हथौड़ा हो तो उसे हर समय एक कील चाहिए होती है कि वो कहीं भी कील ठोक सके। ठीक वही हाल हो जाता है इन लोगों के पास जो ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करते हैं और उन्हें लगता है कि अपने इस पूरे नॉलेज का इस्तेमाल करने के बाद ही वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले पाएंगे। जबकि वॉरेन बफे कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक फिफ्थ स्टैंडर्ड बच्चे की मैथमेटिक्स चाहिए और इतना IQ चाहिए कि आप किसी भी शहर में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो बिना किसी दूसरे इंसान की मदद के। इतने ही IQ से और इतनी ही मैथमेटिक्स से आप निवेश के लिए सबसे अच्छी कंपनीज चुन सकते हैं और लंबे समय में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ इसी इंटरव्यू के दौरान वॉरेन बफे ने यह भी कहा था कि कॉलेज की किसी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है अगर आप चाहते हैं निवेश के लिए कुछ अच्छी राय तलाशना और अपनी स्टडीज़ बढ़ाना। फ्रेंड्स ये एक पर्टिकुलर इंटरव्यू था वॉरेन बफे का जो बहुत ही फेमस इंटरव्यू रहा। फर्स्ट टाइम जो एक न्यूज़ चैनल पर आया, ईयर था तकरीबन 1980 और उस समय वॉरेन बफे की अपनी खुद की नेटवर्थ थी $500 million। इस पर्टिकुलर इंटरव्यू से निकाली गई ये 5 sentences जो कि 5 बेहतरीन लर्निंग्स हैं वॉरेन बफे की लाइफ से। अगर ये एक नया निवेशक जो भी मार्केट के अंदर है, जो निवेश की प्रक्रिया का पालन करना चाहते हैं, लंबे समय के लॉन्ग टर्म निवेशक अगर इस्तेमाल करते हैं इन इन्फॉर्मेशन का बजाय ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन करने के, तो लंबे समय में न केवल अपना एक बेहतरीन पोर्टफोलियो जनरेट करने में उन्हें मदद मिलेगी बल्कि वो इस अच्छे पोर्टफोलियो की बेसिस पर मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस सीरीज़ के अंदर हम न केवल वर्ल्ड बल्कि इंडिया के भी बेहतरीन मार्केट गुरु जो हैं फंडामेंटल एनालिस्ट, उनके टीचिंग्स बीच बीच में लेकर आते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इन वीडियोज़ को देखिए, देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये ज़रूर बताइए कि इन वीडियोज़ में आखिर क्या अच्छी और क्या ख़राब बात है, इनसे आपको क्या सीखने के लिए मिला, और कुछ ऐसी गलतियां जो अभी तक आप मार्केट में करते आए थे जिनके बारे में करेक्शन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर दिया गया है। उम्मीद है कि जो ये आज का सेशन है ये न केवल आपको पसंद आया होगा बल्कि पसंद आने से भी ज़्यादा इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अगली सीरीज़ में अगले एक मार्केट गुरु के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा।
अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहाँ पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ, और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।